नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा निश्चित तौर पर विकास के पथ पर तो अवश्य है, क्योंकि अब जो साइड इलाका है, जल जमाव की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए चट्टी चौक, हम बता दें कि सीधा जो हाउसिंग कॉलोनी से आ रहा है और चट्टी चौक के बाद ये देखिए इस तरफ यह नाला, जो बड़ा नाला पहले है उस नाले पर फ्लाईओवर बनने की शायद कवायद है। हम अभी SDO और DSP और अभी हम बात करेंगे CO से भी, लेकिन यहाँ हम स्थल पर दिखा रहे हैं वो उसको साइड करके, क्योंकि वो जो नाला है जिससे पहले दिखाइए उस तरफ रोहित, जो कि नाला है उस तरफ वो सड़क के बगल में जो नाला है, अब वहाँ पर पहले यही नाला को क्लियर करना था, लेकिन अब इसे डाइवर्ट कर करके वहाँ से बगल में लाया गया है और ये कोसी प्रोजेक्ट का जो आवासीय परिसर है उसके बगल से ये नाला सीधा जाएगा, यानी कि अब रोड से जहाँ नाला बनना था उस नाला से करीब 15 फीट हट करके बनाया जा रहा है और उधर फ्लाईओवर और इधर नाला बनेगा। ये क्या कल आए थे अगर तो क्या क्या बात हुई थी, क्या हुई? नहीं, यहाँ जो भी SDO आए हुए थे, सिंचाई विभाग के SDO थे यहाँ पे, उन्होंने बतलाया कि हमारा काम जो है ये नहर को जो है जो कि डाइवर्ट करके लेके जाना है और वहाँ से जहाँ से लेआउट होगा फ्लाईओवर का वो अपना लेकर के जाएंगे। फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ रोड रहेगा, 30 फीट रोड जो दोनों तरफ रहेगा, है ना? यही तो उन्होंने बतलाया है कि जो नहीं मैं कौन कौन आए थे कल? कल यहाँ पे CO आए थे, CI आए थे, हाँ। और यहाँ सिंचाई विभाग के SDO और JE आए थे। अच्छा, दो दिन वो लोग आए हैं लगातार, हाँ। और यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह भी हुआ कि जो जिन्होंने अपने अपने घर पे जो ईंटा वगैरह है या सामान जो भी है घर का, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ जो है सो अब नाला का डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि जहाँ पहले पूर्व में था उस नाले को 10 फीट हटा करके बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर बनेगा। उन्होंने कहा है क्या ऐसा? उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर को वो ज़मीन दे दिया गया है, वो जो है पिलर रहेगा फ्लाईओवर का और दोनों साइड से जो 30-30 फीट रोड रहेगा, यही बतलाया उन्होंने। यहाँ पर कितने मकान हैं जिनको खाली कराया गया, तोड़ा गया? अभी मकान अभेद थे क्या थे? अब तक तो जो भी ज़मीन है ये सर केसरे हिंद ज़मीन, ये जो है ये पूरा नहर के किनारे जितना भी है वो केसरे हिंद ज़मीन है, ये भारत सरकार के अधीन आता है, तो लोग बनाए हुए हैं, स्कूल भी बनी हुई है। अब स्कूल वाले का शायद 26 तारीख को हाईकोर्ट में हियरिंग है, अब उसमें क्या होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये स्कूल भी तो केसरे हिंद की होगी ना, अगर होगी हाँ, तो फिर किस बेस पर वो क्लेम किए हैं? वो उनका कहना है कि हम जो है जो कि कोर्ट में हम गए हुए, हमको 30 साल से केस चल रहा है मेरा, हम टाइटल सूट में गए हुए हैं, हम जो है लीज करवाए हुए हैं वहाँ पे। किससे लीज करवाए हैं, क्या बोल रहे हैं? बिहार सरकार से लीज करवाए हुए हैं, कोर्ट ने वहाँ पे उनसे पेपर मांगा है, पेपर उन्होंने सबमिट नहीं किया, 26 तारीख को उनका हियरिंग है, अब उसमें पता चलेगा क्या होता है नहीं होता है। अभी अगर मान के चलिए इस केस को आप अगर उनका हो जाता है तो फिर ये किधर डाइवर्ट करेंगे, फिर इस नाले कैसे डाइवर्ट करेंगे? अभी तत्काल एक ADM आए हुए थे, मैं नहीं था उस समय में, लेकिन लोगों का कहना है कि जो मुंशी प्रेमचंद स्कूल को 2 फीट या 3 फीट छोड़ करके आप रोड साइड से 15 फीट ज़मीन छोड़ दीजिए ताकि रोड रहे और आप इसको ले करके जाइए और उसके बाद जो है वो आप बाबू साहब कॉलोनी में इन कर जाइए। यही कहा क्या जगह डाइवर्ट होगा, एक यहाँ डाइवर्ट होगा, हाँ। फिर आगे डाइवर्ट होगा, हाँ, वहाँ पे पुल के पास डाइवर्ट होगा, हाँ। पुल के पास भी थोड़ा सा एंगल लगेगा और रोड टूटेगा, एंगल लगेगा और फिर उसके बाद रोड के बगल से जो है वो सीधा उस पुल तक चला। मकान पर को भी क्षतिग्रस्त हो सकता, मकान भी इफेक्टेड होगा, जो भी बने हुए पूर्व से जो अपने जमीन बनाए हैं लोग? नहीं नहीं, उन लोगों का नहीं अति होगा, चूंकि जो भी जमीन है सो रोड के दक्षिण है, जो भी जमीन है जिनका अपना जमीन है वो रोड सड़क से दक्षिण है और सड़क से उत्तर जो है वो केसरे हिंद जमीन है, तो जो भी है बनाए हुए थे रह रहे थे अति नहीं था। अच्छा, आप यहाँ पर क्या हैं? मेरा घर है। आप क्या हो? घर है गोविंदपुर। गोविंदपुर घर है जी। तो क्या हो रहा है? विकास हो रहा है नाला ओवर ब्रिज का। अच्छा, विकास तो नाला को डाइवर्ट कर दिया इधर जी। इतना चौड़ाई था, इतना चौड़ाई है इस नाले में जब पहले उधर जितना चौड़ाई है? हाँ जी, नाला जो चौड़ाई है सो बीच में ठीक है, हाँ। खड़ा है, हाँ। इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, हाँ। तो उधर तो ज्यादा चौड़ा है, इधर कम? नहीं, नाला बराबर आ रहा है, हाँ। क्या समझे, ये खड़ा हो गया, उधर छितरा दिया है। अच्छा। तो इसके लेकर आपको कम और ज्यादा का अनुभव लग रहा है। तो ये देखिए विकास काम हो रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि कोई काम से पहले एक कहा जाता है कि प्रोजेक्ट तैयार करना, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या जो पथ निर्माण विभाग बना रहे थे या जो सरकार के आदेश आए हैं सिंचाई विभाग की तरफ से भी, तो क्या लगता है कि ये जो मुंशी प्रेमचंद स्कूल है इसको
तोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इस कोर्ट में मामला लंबित है और 26 तारीख को हियरिंग है इसकी। लेकिन उसके बगल से देखिए, वहाँ से डाइवर्ट होगा एक बार फिर, वो सामने नहीं जाएगा, वो डाइवर्ट होकर फिर यहाँ आएगा और इस डाइवर्ट के बाद फिर एक बार कॉर्नर पर हम आपको लिए चलेंगे, फिर उस कॉर्नर पर फिर डाइवर्ट होगा। यानी कि थोड़ी सी तकनीक अगर पहले अपनाई जाती तो इतना डाइवर्सन नहीं होता, डाइवर्सन अधिक होने से नाले के क्वालिटी गुणवत्ता पर असर पड़ेगी। हालांकि इसको बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये अभी सीधे कागजातों में ही है, किसने नियम बनाया, किसने प्रोजेक्ट तैयार किया, कहां पर कितना बनना है, कितना डाइवर्सन देना है, ये अभी समय के अनुरूप किया जा रहा है। पहले से पूर्व में कुछ नहीं था, क्या लगता है पूर्व में पहले से था इस तरह का डाइवर्सन इतना बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो था, पहले से तो यह था कि नहर ही बनेगा, नहर को ही जो है पूरा अचानक ये अचानक ये 3-4 महीना पहले हुआ है, अप्रैल मई के बाद हुआ है कि यहाँ फ्लाईओवर बनेगा। हाँ, फ्लाईओवर का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से लेआउट उठाऊंगा, आप जो है नहर को जो है डाइवर्ट कीजिए। अच्छा, ये बात ये बोला गया? हाँ, निर्माण विभाग को, निर्माण विभाग को मतलब नहीं, सिंचाई विभाग को बोला, विभाग को बोला। ये नहर का काम तो सिंचाई विभाग करेगी, यहाँ का जो फ्लड कंट्रोल डिवीजन है वो कर रहा था, वहाँ उनको बोला गया कि नहीं साहब आप डाइवर्ट कीजिए इसको, आप डाइवर्ट कीजिए, हम यहाँ से लेआउट लेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, आपको हम यहाँ पे नहीं काम करने देंगे, हमको यहाँ को मिला हुआ पुल के लिए, हम यहाँ से उठाएंगे आप अति। तो चलिए आपको दिखाते हैं।